नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। पीवी शो एमटीवी रोडीज रियल हीरो जो युवाओं में काफी लोकप्रिय है। मैं इस बार उत्तराखंड पुलिस की महिला कांस्टेबल अंकिता पाठक भी दिखाई देने वाली है। अंकिता ने दिल्ली में ऑडिशन दिया और वहां मौजूद जजों का दिल जीत लिया और मुंबई में होने वाले राउंड में अपनी जगह बना ली। यह रोडीज का 16वां सीजन है। मूल रूप से अंकिता रुद्रपुर उधम सिंह नगर से और अभी वर्तमान में हल्द्वानी में अपनी सेवाएं दे रही है। इसके साथ ही अंकिता उत्तराखंड पुलिस की बॉक्सिंग टीम का हिस्सा भी है। वह इस शो के जरिए उन लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना चाहती है जिन्हें सपने देखने से रोका जाता है। उनका मानना है कि लड़कियों को भी सपने देखने का हक है। तू मरेगा नहीं ना जब तक। खीला खीला ध्यान भाई, क्या हाल। इतनी इंप्रेसिव लड़की थी अंकिता, अमेजिंग टैलेंटेड, और ऐसी ऐसी चीजें की जो लोग यहाँ पे आके बोलते हैं ना, मैं एक्टर हूँ, उनसे अच्छा किया उसने। वो जो उसने शी वेंट फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, उसने उसमें भी यार वो मतलब पुलिस में, और पुलिस में उसका स्टाइल देख लो, फैशन सेंस देख लो, बॉक्सिंग देख लो, कुछ भी देख लो, फिट सबके लिए प्रिपेयर करके आए, आपको ये कर रहे हैं, आपके लिए ये, आपके लिए वो। आई लव्ड हर। I don't know why we're having a conversation. And you know the thing is ki is bar ka theme real heroes hai. She is. And to stand there with those real heroes, I think these are the kind of people we need. Ye to almost real hero hai. जो पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। आइए दिखाते हैं आपको अंकिता से हुई हमारी खास बातचीत। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाइयां, आपका सिलेक्शन MTV रोडीज में हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा मिक्स मैच सी फीलिंग है, और एक्साइटेड हूं और रोडीज जैसे प्लेटफॉर्म को चुनने की वजह क्या थी? रोडीज शो जो है बहुत इंस्पायरिंग शो है। मैं जब से मैंने इसे देखा है बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं इसको लेके, क्योंकि जिस तरह के वहाँ कंटेस्टेंट आते हैं और अपने स्ट्रगल की कहानियाँ बताते हैं, कैसे उसने उन्होंने स्ट्रगल से ओवरकम किया, वो सब जानना मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग शो है। और जो जो इस शो की जो मेंटेलिटी है, जो थिंकिंग है, स्पेशली गर्ल्स को लेके, गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए जो ये काम करते हैं, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रखता है और मोटिवेटेड रखता है। रोडीज में जाने के बारे में आपने कैसे सोचा? रोडीज में जाने का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मुझमें थोड़ा बहुत हिडन टैलेंट था बचपन से ही, थोड़ा लाइक एक्टिंग, डांसिंग एंड ऑल, तो लेकिन कभी कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं कि मैं अपने आप को प्रूफ कर सकूं। तो मुझे लगा कि हाँ, रोडीज मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म हो सकता है कि जहाँ मैं कुछ अपने आप को दिखा सकूं कि हाँ मैं भी कुछ हूँ और लड़कियों के लिए कुछ इंस्पायरिंग कर सकूं। पहले मैं खुद डिपेंडेंट रही, मैं अपनी जॉब करी, अपनी मेरी थैंक गॉड एंड होपफुली कि मेरी 19K मेरी जॉब भी लग गई, एंड देन आया ऑडिशन आया दिल्ली में रोडीज का, तो मैंने ऑडिशन दिया एंड फर्स्ट टाइम ये क्लियर भी हो गया, एंड थैंक गॉड। मतलब मैं पहले डिपेंडेंट रही, उसके बाद मैंने रोडीज के लिए आपकी क्या तैयारियां थी और आगे क्या तैयारियां रहने वाली? तैयारी बस इतनी थी कि मुझे खुद पर भरोसा था और खुद पर विश्वास था कि हाँ मैं कर लूँगी, और मुझे वहाँ अपने आप को रियल दिखाना था कि हाँ मैं जो जो मैं हूँ वो मुझे वहाँ दिखाना था, अपने आप को प्रूव करना था, और ये मेरा फॉर्मूला वर्क भी करा। बस यही तैयारी थी और मैं जजेस को पसंद भी आई थी। रोडीज में आने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से और किससे मिली? ऐसे सभी, मतलब ये शो ही बहुत इंस्पायरिंग शो है, जैसे मैं कि मैंने बताया कि ये शो ही बहुत इंस्पायरिंग है, तो जब से मैंने देखा मैं उसी से इंस्पायर हो गई कि हाँ मुझे लगा कि ये मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कुछ अपने आप को प्रूव करने के लिए। बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट आते हैं जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं। एक हुसैन आई थी इसमें, इस रोडीज के शो में आप देखेंगे तो, पहले वो कहीं काम करती थी, तो मुझे बहुत वो लगा कि बहुत लो बैकग्राउंड के लिए भी ये शो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है खुद को प्रूफ करने के लिए। तो यस, बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनसे मैं इंस्पायर हुई थी। पहाड़ों से और उत्तराखंड से जो पलायन महानगरों की तरफ हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? उत्तराखंड तो नहीं, एक्चुअली सब लोग पहाड़ छोड़ के आई थिंक प्लेन्स में आ रहे हैं, हाँ कुछ उत्तराखंड छोड़ते हुए जा रहे हैं। एक्चुअली होता ये है कि हम लोगों के यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो बेसिकली टैलेंट तो है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो लोग वहाँ जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास और जहाँ अपने आपको प्रूफ कर सकें। बट यार, पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए अपने जड़ से वो जुड़ा रहता है, अगर जड़ ही कट जाएगी तो पेड़ तो तबाह हो जाएगा ना, तो आई थिंक अपने जड़ से लेकिन जुड़ा रहना चाहिए। आप अगर आप जा रहे हो तो अपने 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 आप को मत भूलिए, अपने बैकग्राउंड को मत भूलिए कभी भी, मेरा बस यही मानना है।
रोडीज के खतरनाक स्टंट्स के बारे में आप जानती होंगी, रियल स्टंट वहाँ पे करवाए जाते हैं, उनके लिए आपकी क्या तैयारियाँ हैं? तैयारी कुछ नहीं है, बस अब रोडीज अगर खतरनाक है तो मैं भी बहुत खतरनाक हूँ। हाँ, स्टंट होते हैं खतरनाक, बट मैं बचपन से स्पोर्ट्स पर्सन और रही हूँ और मेंटली फिजिकली थोड़ा स्ट्रांग हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना 100% दे सकूँ। बाकी जो स्टंट होते हैं वो देखने में बहुत ईजी लगते हैं, पर इतने ईजी होते नहीं है, वो उस टाइम की सिचुएशन पर ही डिपेंड करता है। बाकी मैं बस अपना 100% दूंगी, बस इतना है। थैंक यू अंकिता। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की।